पश्चिमी यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। यहां उनका सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद पीएम मोदी ने मंच संभाला और अपना संबोधन शुरू किया। पीएम के संबोधन के केंद्र में उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल को ट्रेलर बताया। अभी देश और यूपी को बहुत आगे ले जाना है। 10 साल तक जो किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आज अमरोहा में जनसभा को संबोधित करने आए, जहां उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की भी तारीफ की। पीएम ने कहा कि अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं देश का ढक्का भी बजाता है। मोहम्मद शमी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में विदेशी बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिया। उनके प्रदर्शन के आगे कोई नहीं टिक पाया। हमारी सरकार ने उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। योगी जी अब अमरोहा में स्टेडियम भी बनवा रहे हैं। पहले किसानों की समस्या सुनी नहीं जाती थी, अब काम हो रहा है। अमरोहा और पश्चिमी यूपी का ये क्षेत्र अपने मेहनती किसानों के लिए भी जाना जाता है। कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों में यहां किसानों की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था और न ही उनकी परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था, लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीद के साथ ही रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, जबकि योगी सरकार में यहां हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए का भुगत किसानों को हुआ है। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसका पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और विलुप्तीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी परेशानी होती है। अयोध्या में राम मंदिर बना तो सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर प्रभु रामलला का भव्य सूर्य तिलक हुआ है। आज जब पूरा देश राममय है, तब समाजवादी पार्टी के लोग रामभक्ति करने वालों को सार्वजनिक रूप से पाखंडी कहते हैं। कांग्रेस वोट बैंक के लिए आस्था पर कर रही चोट, इंडिया गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। अभी मैं द्वारका गया और समुद्र में नीचे जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समुद्र के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की आस्था और भक्ति को ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए खारिज कर रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने आप को यदुवंशी कहने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण और द्वारका का अपमान करने वालों के साथ कैसे समझौता कर सकते हो। विलुप्तीकरण के इसी खेल ने यूपी को, खासकर हमारे पश्चिमी यूपी को, दंगों की आग में जलाया था। यहां गुंडाराज का वो दौर कभी भी भूल नहीं सकते। बता दें कि अमरोहा में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। यहां से भाजपा ने अपने कद्दावर नेता कंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने बसपा से सांसद रहे दानिश अली को प्रत्याशी बनाया है। दानिश अली ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले पाला बदल लिया था, बसपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। साथियों, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं देश का डंका भी बजाता है। मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहां
के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है, अगर वो छूट गया तो आप मेरी तरफ से पूरे विश्वास के साथ आप ही मेरे लिए मोदी हैं। तीसरी बार मोदी आने के बाद जो बाकी काम रह गए ना, वो भी पूरे हो जाएंगे। आपको अपना हक मिल जाए। और मुझे अभी अमरोहा की एक और पहचान ढोलक दिया गया और यहाँ के ढोलक की थाप दूर दूर तक गूंजती है। हमारे योगी जी के प्रयासों से अमरोहा की ढोलक को भाजपा की सरकार ने जीआई टैग देकर पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वासुदेव तीर्थ की स्मारक इस अवसर पर अमरोहा जनपद की जनता जनार्दन की ओर से मैं अपने प्रधानमंत्री जी का खोलना चल सर द्वारा हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश के अंदर इस महान शिल्पी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अमरोहा वासियों को की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण जनपद में आने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अमरोहा उत्तर प्रदेश से संजय कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।